नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। चलिए दोस्तों, आज एक और प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। यह है गोल्फिना, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके तीन कलर होते हैं। मैं पूरी जानकारी इसकी शेयर कर रही हूँ, किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह से इस प्लांट की केयर करनी है, जिससे ये प्लांट आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाए और फ्लावरिंग भी करता रहे। दोस्तों, ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट नहीं है। बहुत सालों तक इस प्लांट को आप नहीं रख सकते हैं, चाहे कितनी अच्छी केयर क्यों ना कर ले। तो दोस्तों, इसे बार बार बीज से ग्रो करना होता है। लगभग साल भर तक ये प्लांट रहता है, उसके बाद आपको इसे जो है अपने आप से ये ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो इस प्लांट को आपको बार बार ग्रो करना होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आप प्लांट देख लीजिए कि किस तरह से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों, बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत कम केयर में ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। दोस्तों, ये सारे के सारे प्लांट जो है मैंने बीज से ही ग्रो किए हैं। एक बार मैंने इस प्लांट को 2-3 साल पहले ख़रीदा था और उसके बाद अब मैं बीज से ही इनको ग्रो कर लेती हूँ। ये वाइट वाला है और दोस्तों, ये देख सकते हैं इसकी सेपलिंग, तो ये हर सीजन में ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी ये प्लांट लगा हो, एक फूल भी आप तोड़ कर ले आएंगे तो आपके कई सारे जो है प्लांट रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, इसको ग्रो करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सरल है और उसको जो है रिपोर्टिंग करने का तरीका भी है जो बहुत सरल है। तो आप इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। वैसे ये सीजनेबल प्लांट है, समर में ही फ्लावरिंग करता है, समर में और जो है रेनी सीजन में भी करता है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो ये विंटर में भी फ्लावरिंग कर रहा था। तो दोस्तों, इस प्लांट को अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है। जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो वहाँ पर इस प्लांट को रखिए। वैसे ये प्लांट इतनी आसानी से ग्रो जाता है, जैसे विंका है, कोसकोम है, कोसमोस है और गडालिया है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं फिर वो अपने आप से ग्रो होते रहते हैं। वैसे ही गोल्फिना भी है। और दोस्तों, ये गोल्फिना क्यों नाम रखा गया है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसके गोल गोल फूल होते हैं, इसलिए इसके जो फूल होते हैं वो जो है लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार खिले ही रहते हैं। एक बार जो फूल खिल गया वो इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक खिला रहता है। देख सकते हैं, मैं इसका अपडेट आपको दिखाती हूँ, कितने सारे जो है प्लांट मेरे यहाँ पर इसके ग्रो हो रहे हैं। जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं वहाँ एक ग्रो हो जाता है। मैं और भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूँ, इस प्लांट को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे पॉट में ही इनको ग्रो कीजिए। बड़े पॉट में ये प्लांट जो है गल जाता है। इसकी जो जड़ें होती है बहुत गहरी नहीं होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए 8 इंच तक काफ़ी होता है इस प्लांट के लिए। 5 इंच से 8 इंच का इसके लिए प्लांटर काफ़ी होता है। तो मैं तो ज़्यादातर ये प्लांट जो है इन छोटी छोटी थैलियों में ही ग्रो करती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो पानी वगैरह हम प्लांट को देते हैं वो बड़ी आसानी से बाहर चला जाता है। और दोस्तों, मैं अक्सर अपने प्लांट जो है वेस्ट मटेरियल में ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, जो भी आपके गार्डन से वेस्ट निकलता है, अगर आप गार्डन की शुरुआत करते हैं तो आप सूखी पत्तियाँ वगैरह भी ले सकते हैं, और जो आपके किचन से वेस्ट निकलता है वो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियाँ रहती है वो लाकर अपने प्लांटर को भर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को बार बार खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक बार फूल खिलते हैं वो कई टाइम तक खिले रहते हैं और लगभग उसके बाद जो है प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है। तो मेरे गार्डन से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है, जो भी कचरा निकला है, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे डंडियाँ हो, चाहे बीज हो, क्योंकि बीज भी डीकम्पोस्ट होकर खाद का काम कर देते हैं। और जो सूखी सूखी डंडियाँ होती है वो तो बहुत ही बेहतरीन होती है, वो धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होती है और हमारे प्लांट को बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट जो है पिंचिंग प्रूनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस जब इसके फूल सूख जाते हैं तो आप इनको हटाते रहिए, तो ये प्लांट साल भर बना रहेगा। वरना एक ही सीजन में, एक ही बार की फ्लावरिंग में ये प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं हर छोटे से छोटी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि स्किप कर करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं जो प्लांट लगाती हूँ वो काफ़ी हद तक हेल्दी होते हैं
और इसका कारण होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी का यूज़ नहीं करती हूँ। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गार्डन से निकलता है, हमारे किचन से निकलता है, उन्हीं चीज़ों को मैं भर भर कर अपने प्लांटर रेडी कर लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खाद रेडी हो जाती है, और बहुत सी जगहों पर जो है खाद अवेलेबल नहीं होती है। गोबर खाद तो वैसे सब जगह मिल जाती है, अगर आप चाहें तो गोबर खाद भी ले सकते हैं। चलिए आपको बता देती हूँ क्योंकि फूलों को किस तरह से ग्रो किया जाता है वो भी जानना ज़रूरी है। फूल जब सूख जाए तभी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि फूल बना ही है और अच्छा सा एकदम ताज़ा सा फूल है, तो उसे आप ग्रो करेंगे तो नहीं होगा। जब फूल सूखने लग जाए तो उसके जो बीज है वो परिपक्व हो जाए, तब आप इस तरह से जो है हल्के हाथों से मिट्टी में ही डाल दीजिए। वैसे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सादी सी मिट्टी, भुरभुरी सी मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब बिखेर दीजिए। तो ये प्लांट जो है लगभग 8 से 10 दिन में जो है अंकुरित हो जाते हैं, ये बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह जो है ग्रो करती हूँ, और मैं तो क्या करती हूँ कि जो अदर प्लांट होते हैं उनके साथ मैं डाल देती हूँ, जितने बीज ग्रो होने हैं हो जाएंगे, और जो नहीं हो पाते हैं वो डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद का काम कर देते हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, लगभग 100 से 150 प्लांट होंगे इसके, और मुझे जब भी खाली पोर्ट मिलता है तो मैं इस तरह से रिपोर्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में कभी भी फूलों की कमी ना हो। दोस्तों ये छोटे छोटे फूल होते हैं, धीरे धीरे इनकी लंबाई बढ़ जाती है, और एक उंगली के एक जो इंच, 1 इंच बराबर इनकी लंबाई हो जाती है फूलों की। तो आप इनको बार बार तोड़िएगा मत, आप लगे रहने देंगे तो आपको इसकी खूबसूरती पता चलेगी। अंदर जो है डॉट बनते हैं वाइट कलर में, येलो कलर के, और जो पर्पल कलर होता है उसमें वाइट कलर के जो है डॉट बनते हैं, तो बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। और हार्डी प्लांट तो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन भी पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा। दोस्तों कम पानी दीजिए अपने प्लांट को तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये मैंने अदर गमलों से निकाली है, जो सीजनेबल प्लांट होते हैं उनमें भी जो वेस्ट मटेरियल मैंने डाला था वो पूरा डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है, तो उसमें जो केचुआ वगैरह है वो इस वाले वेस्ट मटेरियल को भी डिकम्पोस्ट करके, और जैसे वर्मी कम्पोस्ट आप देखते हैं ना, वो रेडी हो जाता है। तो मेरे यहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, बहुत कम मिट्टी होती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप गोबर खाद ले सकते हैं, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो ले सकते हैं, उनको आप मिट्टी में ऐड कर लीजिए और फिर आप इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। जो नट्स होते हैं, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जो केले के छिलके हैं मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे पॉट, जो घर में हमारे पर छोटी मटकियाँ रखी होती है उनमें लगा दीजिए, इनमें भी आपको बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग मिल जाएगी। दोस्तों बहुत लंबी जो लंबा चौड़ा ये प्लांट नहीं होता है, छोटा सा ही प्लांट होता है, तो छोटे प्लांटर में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो डीकम्पोस्ट हल्का फुल्का हुआ जो खाद था वो डाल दिया है, जिससे कि मेरे ये भी अच्छे से खाद बन जाएगी, और जो अंदर हमने खाद डाली है वो भी हमारे जो पत्तियां डाली है, डंडियां डाली है, वो भी डीकम्पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्लांट को आप खाद भी मत दीजिए, पिंचिंग प्रूनिंग भी मत कीजिए, बस एक बार इसको अच्छे से रिपोर्टिंग कर दीजिए आप, फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। बस गर्मियों में डेली वाटरिंग, और जो ठंड में होता है उसमें 3-4 दिन में इसमें वाटरिंग करते रहिए बस, और कभी कभी आप चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। दोस्तों ये सादी सी मिट्टी है, सादी सी मिट्टी क्या, ये तो मेरे जो गार्डन से मिट्टी निकलती है वो ही है। मैंने इसको एक दिन की धूप दिखा दी है, आप देख सकते हैं कितनी सूखी सी मिट्टी है, और जो सूखी सी मिट्टी होती है दोस्तों उसमें थोड़ा सा और हम क्या डालेंगे, ये आप देख रहे हैं नीम खली है। दोस्तों नीम खली डालने से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं होता है, और चाहे तो आप नीम की सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ
वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मैंने ले लिया है, बहुत सारे पोट है तो उसके हिसाब से मैंने मिट्टी रेडी की है। आप देख सकते हैं बहुत कम मिट्टी है वैसे मेरे पास, और मिट्टी ना हो तो आप डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो भी मिट्टी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब क्या करेंगे, प्लांट को कैसे निकालना है दोस्तों, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और उसके साथ ही दोस्तों अगर आप ढंग से प्लांट को बाहर निकालेंगे तो जड़ें डैमेज नहीं होगी, जड़ें भी डैमेज नहीं होगी और प्लांट भी जो है अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लगभग 2 से 3 इंच के ये प्लांट हो गए हैं, तब हम हल्के फुल्के जो तीखा सा टूल्स होता है उसे आप जड़ों को ढीली कर दीजिए, बस इतना काफ़ी है। और मिट्टी को गीला ज़रूर रखिए, मिट्टी गीली रखेंगे तभी प्लांट जो है बाहर आ पाएगा, वरना खींचतान में क्या है, जड़ें अंदर पौधा बाहर, फिर उसके बाद सब खेल ख़त्म, कुछ भी नहीं होता है। हल्के फुल्के मिट्टी साथ ले आइए, जिससे क्या होगा कि प्लांट को सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। बीज सेंटर में इस तरह से उसको खड़ा कर दीजिए। दोस्तों मुझे कोई सपोर्ट नहीं होता है तो कैमरा सामने रखा है और मैं बना रही हूँ तो मेरा हाथ आपको बीच में आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और बस हो गया रिपोर्टिंग। ये देखिए, ये जो हमने मिट्टी रेडी की थी, कोई खाद नहीं ली है मैंने, आपने देखा है खाद हमने अंदर पहले ही डाल दी थी। और ये देखिए, अच्छे से टेप करके और उसको स्टैंड कर दीजिए, अगर आप चाहे तो छोटी सी स्टिक भी लगा दीजिए जिससे कि ये प्लांट गुड़के ना, लुढ़के ना। और लुढ़कने के बाद क्या, मिट्टी के संपर्क में आ जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है कि प्लांट ख़राब होने लग जाता है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है। हमारा प्लांट जो है रिपोर्ट हो गया है, ग्रो हो गया है और बस अब कोई केयर नहीं करनी है, बस इतनी सी जानकारी थी। और दोस्तों ये प्लांट आप लगाते रहिए बार बार, जैसे जैसे फूल सूखते जाए आप मिट्टी में डालते रहिए, कोई से भी अदर गमले में डाल दीजिए, वहाँ भी ये ग्रो हो जाते हैं। कम जड़ें होती है इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रिपोर्टिंग करें तो प्लांट की जड़ें टूट ना पाए, टूटने ना जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, मेरी रिपोर्टिंग कैसी लगी और बीज को ग्रो करने का तरीका कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा गार्डन आपको कैसा लगता है। दोस्तों मैं अक्सर अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो ये इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग रेडी हो।